हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर सिंपल इक्वेशंस का, और जो टॉपिक का नाम है वो है फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट। मतलब अगर इक्वेशंस गिवन है तो हम उससे स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट है उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उन वर्ड्स की जगह आपको मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस, इनके हमको उसकी जगह पे क्या पुट करने पड़ते हैं, सिंबल्स। तो हम समझते हैं ऐसे कौन से वर्ड है जिसकी जगह आपको वो सिंबल यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम, ऐड, प्लस, तो इसकी जगह पे आपको जो सिंबल यूज़ करना है वो किसका यूज़ करना है, प्लस का। जैसे यहाँ पे सेकेंड में लिखा है सब्ट्रैक्टेड, टेकन अवे, माइनस, देन आपको जो मैथमेटिकल सिंबल यूज करना है वो किसका करना है, माइनस का। अगर वहां पे लिखा है टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, तो टू टाइम्स का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई बाय, थ्री टाइम्स का मतलब होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय। अगर वहां लिखा है फोर टाइम्स तो इसका मतलब होता है फोर मल्टीप्लाई बाय। ये टू टाइम्स थ्री टाइम्स की जगह और भी वर्ड यूज करते हैं। टू टाइम्स की जगह वहां पे लिखा हुआ आ सकता है ट्वाइस, थ्री टाइम्स की जगह पे लिखा हुआ आ सकता है थ्राइस, ठीक है। तो अगर टू टाइम्स नहीं लिखा हुआ है या ट्वाइस भी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, और थ्राइस का मतलब क्या होता है, थ्री टाइम्स। डिवाइडेड, सिंपल, कौन सा सिंबल यूज करोगे आप, डिवाइड का, या फिर आप फ्रैक्शन में जो यूज करते हो वो वाला सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। माइनस नहीं है, जैसे आप लिखते हो ना फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, तो कैसे राइट करते हो, फाइव अपॉन में फाइव, या फिर हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं फाइव डिवाइड बाय फाइव। फिफ्थ है वन फोर्थ, वन थर्ड, थ्री फोर्थ, इस टाइप से जब भी आए, जैसे वन फोर्थ आए तो इसका मतलब होता है वन अपॉन में फोर, वन थर्ड मतलब वन अपॉन में थ्री, कभी आ जाए थ्री फोर्थ मतलब थ्री अपॉन में फोर, वन फिफ्थ तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में फाइव, थ्री फिफ्थ मतलब थ्री अपॉन में फाइव। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, वहां पे राइट करना है। Is, gives, you get, इसकी जगह पे आपको सिंबल किसका यूज करना है, इक्वल्स टू का। तो यहाँ पे हमने देखे सिंबल्स कौन कौन से यूज आपको वहां पे करने हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाला, वहां पे लिखा है सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर, मतलब आपके दो नंबर है, एक नंबर को हमने वेरिएबल से असाइन कर दिया है, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और दूसरा वाला क्या है आपका, फोर है। That means दोनों का सम करना है, मतलब x और 4 आपके दो नंबर है, इनको क्या करना है आपको, प्लस। तो वहां पे आपको जो इक्वेशन है उसमें क्या राइट करोगे आप, x प्लस 4। सब्ट्रैक्टेड, टेकन अवे, माइनस, जैसे वहां पे लिखा है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसका मतलब ये है कि आपको y में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, तो y माइनस टू। या फिर ऐसा आ सकता है 2 इज टेकन अवे फ्रॉम y, तब भी आपको क्या लिखना है, y माइनस टू, या डायरेक्ट लिखा आ जाए y माइनस टू, तो आपको क्या करना है, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो वहां पे लिखा है जैसे कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर x, मतलब किसी नंबर x जो है उसका 2 टाइम्स, तो आप वहां पे राइट करोगे 2x, या फिर लिख दें कि ट्वाइस ऑफ अ नंबर x, तब भी आपको क्या लिखना है, 2x। अगर वहां पे लिखा है कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, तो क्या लिखोगे, 3x। अगर वहां पे लिखा है 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, तो क्या लिखोगे, 10x। ये था हमारा 3 टाइम्स 2 टाइम्स। अब डिवाइडेड, जैसे वहां पे लिखा आ जाए कि y is divided by 2, मतलब जो y है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, दैट मीन्स y अपॉन में क्या लिखो, 2, मतलब y को किससे डिवाइड कर दिया हमने, 2 से। अब डिवाइडेड बाय 2 की जगह वहां पे हाफ भी लिखा आ सकता है, हाफ ऑफ अ नंबर y, मतलब नंबर y का क्या, हाफ, तो वहां पे क्या करना है आपको, y अपॉन में 2। अब जैसे वन फोर्थ वन थर्ड हो गया, वन फोर्थ वन थर्ड की जगह पे क्या है, जैसे वहां लिखा आ जाए कि वन थर्ड ऑफ अ नंबर x, मतलब कोई नंबर x है उसका क्या करना है आपको, वन थर्ड, तो वहां पे आप क्या लिखना, वन अपॉन में थ्री एक्स।
अगर वहां लिखा आ जाए कि 1/5 ऑफ अ नंबर x, तो क्या लिखोगे? 1/5x. अगर वहां पे लिखा आ जाए 3/7 ऑफ अ नंबर x, तो 3/7x. नेक्स्ट है इज गिव्स यू गेट, तो इसकी जगह पे आपको किसका साइन लगाना है? इक्वल्स टू का साइन. तो ये हमारे बेसिक वर्ड्स थे जो आपको किस में मिलेंगे? स्टेटमेंट में. और स्टेटमेंट से हमको क्या कन्वर्ट करनी है? इक्वेशन कन्वर्ट करनी है. अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम स्टेटमेंट से क्या फॉर्म करेंगे? इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वहाँ लिखा है सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर. आपके पास दो नंबर है, पहला एक्स है और दूसरा कौन है? फोर. तो एक्स और दूसरा क्या ले लिया? फोर. अब देखो यहाँ पे लिखा है सम, तो सम के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? प्लस का. तो ये हो गया एक्स और फोर का सम. इस की जगह पे किसका साइन? इक्वल्स टू का. और इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका? 9. तो पहली हमारी इक्वेशन क्या बनी? एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 9. सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है? माइनस. अब ये डिफरेंस किसका है? y और 2 का. तो क्या लिखेंगे? y माइनस 2. डिफरेंस की जगह किसका साइन यूज करो? माइनस का. इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8. तो हमारा क्या बनी इक्वेशन? y माइनस 2 इक्वल्स टू 8. थर्ड है 10 टाइम्स. तो मैंने जैसे बताया था 2 टाइम्स का 2x, 3 टाइम्स का 3x. अब इसने बोला है कोई वेरिएबल है a, उसका 10 टाइम्स. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 a. इस की जगह पे इक्वल्स टू का. तो 10 a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 70. फोर्थ दे रखा है द नंबर b. हमारा नंबर कोई है b, डिवाइडेड बाय 5. मतलब किससे डिवाइड करा हमने उसको? 5 से. तो b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स. तो गिव्स की जगह पे किसका साइन आता है? इक्वल्स टू का. क्या देता है? 6. तो b अपॉन 5 इक्वल्स टू 6. अब यहाँ लिखा है 3/4. तो 3/4 को हम कैसे लिखते हैं? 3 अपॉन में 4 किसका? t का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t. तो 3 अपॉन 4 t इसकी जगह पे इक्वल्स टू का. तो 3 अपॉन 4 t इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 15. नेक्स्ट है हमारा 7 टाइम्स m. कोई m है उसका 7 टाइम्स, तो इसको क्या लिखेंगे? 7m प्लस. तो प्लस की जगह पे प्लस का साइन. क्या प्लस करना है इसमें? 7. गेट्स यू या यू गेट इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 77. तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई? 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77. अब यहाँ लिखा है 1/4 ऑफ अ नंबर. कोई नंबर है उसका 1/4. तो नंबर हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम चाहे तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं. तो 1 अपॉन में 4 नंबर हमने क्या ले लिया? x माइनस. क्या माइनस करना है आपको? 4. गिव्स की जगह पे इक्वल्स टू कितना हो गया? 4. तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी? 1/4 मतलब 1/4. नंबर हमने क्या ले लिया था? x. तो 1/4x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है? इफ यू टेक अवे, टेक अवे मैंने बताया था उसमें माइनस करना है 6 फ्रॉम 6 टाइम y. तो पहले 6 टाइम्स लिख लो. तो 6 टाइम्स y कितना हो जाएगा? 6y. उसमें से क्या सब्ट्रैक करना है हमको? 6. तो 6y माइनस 6 यू गेट. यू गेट मतलब इक्वल्स टू. और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 60. लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. If you add 3 to 1/3 of z, तो पहले ये करो 1/3 of z कितना हो जाएगा? 1/3z. उसमें क्या ऐड करना है? 3 मतलब क्या करना है? प्लस 3. यू गेट 30 मतलब ये आपको क्या मिलता है? इक्वल्स टू में 30. तो ये थे हमारे फॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट. मैंने वीडियो के लास्ट में एक वर्कशीट लगाई हुई है, आप उसमें क्या करना, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने की क्या करना, ट्राई करना.